Good morning, student. Today, my topic related to the personality. Personality comes from the Latin word persona. A persona means the mask. But today is a different topic, a different point related to the personality. Personality classifications. जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, उसमें एक था कि टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कितने टाइप की होती है। तो पर्सनैलिटी है ए टाइप पर्सनैलिटी, बी टाइप पर्सनैलिटी, सी टाइप पर्सनैलिटी, डी टाइप पर्सनैलिटी, और चारों पर्सनैलिटी कुछ डिफरेंट हैं। ए टाइप में क्या है कि जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा एग्रेसिव होती है, थोड़ा सा लड़ने झगड़ने वाली होती है। बी में क्या है, थोड़ा शांत होती है। डी में क्या है, बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। जो कहने मतलब है कि काम हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको पढ़ लें, समझ लें। लेकिन पर्सनैलिटी को कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपने रूप में कन्वर्ट किया है, अपनी डेफिनेशन में कन्वर्ट किया है कि पर्सनैलिटी क्या होती है। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपकी विलियम हर्बर्ट सेल्डन की क्लासिफिकेशन है। हर्बर्ट विलियम हर्बर्ट सैलर ने अपने क्लासिफिकेशन के टाइप्स बताए हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि विलियम हर्बर्ट सैलर या सैलर की क्लासिफिकेशन बताइए, तो एग्जाम में कंफ्यूज ना होइएगा। उसमें ग्रुप, उसमें ए पर्सनैलिटी, बी पर्सनैलिटी, डी टाइप पर्सनैलिटी, सी टाइप पर्सनैलिटी ये ना लिखिएगा, डायमेंशन मत लिखिएगा। इसकी अपनी पर्सनैलिटी जो क्लासिफिकेशन क्या है उसको लिखना है आपको। उसी में जो है पर्सनैलिटी की क्लासिफिकेशन को जंक ने भी कहा है। जंक की भी कई बार जो है क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछी जाती है कि जंक ने क्या कहा, जंक की पर्सनैलिटी डेफिनेशन है। तो हम लोग कहें इसको एक साथ समझेंगे, उसमें हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा और हमें पढ़ने में भी आसानी होगी। अब तीसरी चीज क्या आएगी इसमें, पर्सनैलिटी को फाइव बिग थ्योरी में भी कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट क्या क्या है, उसके बारे में बताया है। अब हमने पर्सनैलिटी को एक साथ समझेंगे तीनों की थ्योरी। साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को अलग अलग तरीके से, अपने तरीके से डिफाइन किया है। जिसने कहा है कि जिसका रंग साफ है, लंबा चौड़ा है, हेल्दी है, फिट है, वो पर्सनैलिटी है। किसने कहा है कि वो एथलीट पर्सनैलिटी है, किसने कहा है कि वो रेसलिंग पर्सनैलिटी है, किसने कहा कि उसकी हाइट कम है पर उसकी क्वालिटी अच्छी है, अंदर बिहेवियर अच्छा है, तो वो पर्सनैलिटी है। तो सबने अपनी डेफिनेशन अपने अपने हिसाब से दी है और क्लासिफिकेशन भी क्या है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में है वो विलियम हर्बर्ट सेल्डन की है और जंग की है। ठीक, अब हम जंग के बारे में बताएंगे। इसका नाम था सीडी। एग्जाम में कंफ्यूज ना होइएगा, चारों चीजों को लेकर सीडी जंग ये इसका नाम है। अब सीडी का क्या है देख लेंगे आप ऑनलाइन क्या है। एक इसी में है एक पर्सनैलिटी को जो है बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। अब आप कहेंगे सर कि हमें इस तरह से जवाब देना है कि हम इस तरह से आपको समझाएंगे, लेकिन इनमें से तीनों में से कोई एक चीज अगर एग्जाम में पूछ ली जाती है तो आप लोगों को उसको करना है, कोई एक चीज। मैं इसलिए एक साथ लिख रहा हूं कि आपको जो है होपलेस ना हो, आपका जो है मन भ्रमित ना हो, आपको जो है अलग से कोई
माइंड खर्च करने की जरूरत नहीं है, एक साथ समझ लेंगे तीनों ने, तीनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं और यही आपके सिलेबस में है। इसके साथ में एक चीज़ और मैं तो अगर थोड़ा सा समय मिलता, जैसे कि डायमेंशन ऑफ थ्योरी, सॉरी डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, दूसरा जो है टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, एक साथ कवर हो जाता है आपको, एक साथ समझ में आ जाता, वो भी एक तरीका है। तो इसने क्या कहा विलियम्स ने, इसने पर्सनैलिटी को तीन तरीके से बताया, कितने तरीके से बताया, तीन तरीके से। अगर जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में देख सकते हैं, उन्होंने बताया एटम ऑफ जो पर्सनैलिटी जो क्लासिफिकेशन करी थी, दूसरा बताया मेसो मॉर्फ। देखिए कितना आसान हो जाता है ट्राई करना, अगर डायग्राम के हिसाब से आप बनाएंगे तो आपको कितना ईजी लगेगा। एक्टो मॉर्फ, एक्टो ये इसने बताया, ये तीनों याद रखना आपको, इनके बारे में आपको बताऊंगा क्या चीज है। सीजी ने, सीजी जंग ने बताई है पर्सनैलिटी क्लासिफिकेशन करी है, ये याद कर लें, इंट्रो वर्ड्स एग्जाम में आ सकता है, की बोर्ड में ध्यान रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक्स टू वर्ड्स, एक्स टू वर्ड्स नंबर थ्री, एमवी वर्ड, कोई कंफ्यूजन क्रिएट, कोई कंफ्यूजन नहीं, जो बुक में था कई बार बुक में समझ में नहीं आता है, अगर हम उसे बोर्ड पे दिखा दें प्रेजेंटेशन के साथ दिखा दें तो वो एकदम समझ में आ जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा कि सेल्टन क्लासिफिकेशन क्या है तो बड़ा मान गया बता दें आप, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ, अगर ये तीनों को भी लिख देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, एक नंबर, फाइव मार्क्स का अगर है, थ्री मार्क्स का है आधा नंबर, एक नंबर दे देगा। अगर इसमें इसके बारे में बता देंगे तो और आपके नंबर बढ़ जाएंगे, पूरा बता देंगे। तो अब ऐसा नहीं करना है कि आप सीजी में जो है सैंडल की जो है क्लासिफिकेशन डाल दोगे और सैंडल में जो है सीजी की क्लासिफिकेशन डाल दोगे, ऐसा नहीं करना है। कई बार ऐसा हो जाता है, गलती से हम डाल देते हैं, लेकिन घबराइएगा नहीं, अगर टीचर वहां पे बेस्ट है एग्जाम में तो आपको कुछ 5 मार्क्स 0.5 1 मार्क्स दे देगा, उन्होंने कहा थोड़ा बहुत तो लिखा है, लेकिन ऐसी मत कीजिएगा, बहुत ईजी है, रट लीजिए एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, ये सेंटम की है, जंग की क्या है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट, ठीक। आइए कितना आसान तरीका है समझने का, पर्सनैलिटी भी समझा दिया। अब कई बार ऐसा होता है बच्चों की पूछ लेता है कि बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी, कि बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो क्या करता है कि कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज वो क्या करता है कि तीन पे जुड़ा देगा, दो ही पे जुड़ा देगा। अब कई बार जो है ऐसा हो जाता है, मैंने कॉपी जब भी चेक करी है कई बार ऐसा मिला है, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि चलो आधा एक नंबर दे दो, कोई बात नहीं पास करना है, भाई फेल हो रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो काट दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपके लिए बहुत ईजी है, बिग फाइव थ्योरी, पर्सनैलिटी थ्योरी फाइव होगी। अब फाइव क्या है, वन नंबर वन, ओपन, ओपननेस, ठीक, कौन सी एन सी एस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस नंबर थ्री, एवरनेस,
किया हमने। और नंबर फाइव, नी ओ पीसीएम, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सनैलिटी को कितना डिस्क्राइब कर दिया है साइकोलॉजिस्ट ने, कितना डिस्क्राइब कर दिया है। आप एक पर्सनैलिटी को देखकर क्या बोलते हैं, वाओ वेरी नाइस पर्सनैलिटी। अब उस पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पहले तो वही आपके साथ सामने डायमेंशन आ गई उसकी कि कैसे डायमेंशन करते हैं, फिजिकली डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, साइकोलॉजी डायमेंशन, सोशल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन, ये चार डायमेंशन उसमें हमने बताई थी। इस आधार पर आप लोग जो है पर्सनैलिटी को उसको डायमेंशन नोट कर सकते हैं। अब दूसरा क्या उन्होंने टाइप बता दिया कि पर्सनैलिटी कितने टाइप है, ए टाइप पर्सनैलिटी, बी टाइप पर्सनैलिटी, सी टाइप पर्सनैलिटी, डी टाइप पर्सनैलिटी। अब ये जो साइकोलॉजिस्ट है विलियम हर्बर्ट और सीजी, इसने अपनी जो है क्लासिफिकेशन दी है, इसने कहा कि पर्सनैलिटी एंडोमॉर्फ की होती है, मेसोमॉर्फ की होती है, एक्टोमॉर्फ की होती है। इन्होंने सर्च करके किया है, रिसर्च करके किया है, सोच के साथ किया है, एक रिसोर्स के साथ इन्होंने जो है बताया है कि पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। सीजी ने अपना कहा कि इंट्रोवर्ट भी है, एक्टोवर्ट भी है, एम्बिवर्ट भी है, ठीक। अब जो बिग फाइव थ्योरी निकल के आई, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, बिग फाइव थ्योरी में क्या है कि पर्सनैलिटी कैसी होती है, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्सन, एग्रीएबलनेस और न्यूट्रोसन, ठीक है, न्यूट्रोटिज्म, तुमने ये बताया। अब आपने कहा कि समय आया, ये चीजें हम याद कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको इसके वर्ड्स को आपको बताता हूं कि इस वर्ड्स में क्या छिपा है, इन वर्ड्स में क्या छिपा है। देखो विलियम हर्बर्ट ने एथलीट के रूप में पर्सनैलिटी को डेवलप किया है, एथलीट के रूप में, एथलीट कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए, किस तरह की होती है एथलीट की और किस तरह होती है सामान्य आदमी की। तो एंडोमॉर्फ का मतलब है गोलाकार, गोलाकार पर्सनैलिटी। देखिए कभी गोलाकार पर्सनैलिटी, गोलाकार पर्सनैलिटी, हाइट कम, बाद में छोटा छोटी, अब मुझे भी ले सकते हो क्योंकि वही हाइट इतनी लंबी तो है नहीं, ठीक है, अगर उतनी हाइट नहीं है, 5-8 है तो गोलाकार शरीर है, हाथ कम है, थोड़ा छोटा हाइट, गोल बदन है, ठीक है। कुछ क्या होते हैं जिन्हें बड़ूनी इसको भी हम कह सकते हैं, तुम्हें भी कह सकते हैं हम लोग, तुम पिक्चर में भी देखिए, पिक्चर में दिखा रखा है एंडोमॉर्फ, कुछ ऐसे हम लोग दिखते हैं। अब ये किस काम आते हैं इस तरह की पर्सनैलिटी, उसके बारे में बताया, क्लासिफिकेशन करिए, सेल्टन ने अपनी क्लासिफिकेशन करी है एथलीट के रूप में। दूसरा है मेसोमॉर्फ, ये है मेसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ होती है मध्यकाय, हिंदी मध्यकाय का मतलब है ना तो बहुत लंबा ना बहुत छोटा, बीच का, बीच का फर्क। जैसे कि आप एक्ट्रेस को ले सकते हो, कोई भी एक्ट्रेस, अक्षय कुमार हो गया, सुनील शेट्टी है, मोदी जी, तो मुझे लग रहा है कि इसमें आएंगे एंडोमॉर्फ का, आएंगे मोदी जी जो है। अगर पर्सनैलिटी को हम समझें इस तरीके से, हम अपने में भी देख सकते हैं। और एक है एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ हिंदी में इसलिए बता रहा हूं कि शब्दों से पहचाने आपको कि क्लासिफिकेशन किस प्रकार से दी है, ठीक। एंडोमॉर्फ गोलाकार टाइप का व्यक्ति, मेसोमॉर्फ मध्य का, बीच का, न लंबा न छोटा, और एक्टोमॉर्फ लंबा, इसको बोलते हैं लंबा, लंबाकृत, लंबाकृत मतलब लंबा, पतला लंबा, बिल्कुल पतला दुबला सा, ठीक। आप देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, आप समझिए थोड़ा सा, आप अपने एटमोसफेयर में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो है पतला बिल्कुल लंबा, अगर हम देखें पतला झड़ंबा सा, तो एक रतन सिंह जी है भी ऐसा लगता है, थोड़ा पतले दुबले से बिल्कुल, ऐसे प्लेयर भी होते हैं। आप एथलीट को देखिए जो बास्केटबॉल के होते हैं बिल्कुल लंबे, बिल्कुल पतले दुबले से, और बॉल ऐसे मारते हैं हवा में बिल्कुल बिल्कुल गोल में, उसमें आती है इतनी लंबी हाइट होती है उनकी, ठीक है। एथलीट में आप लोग देख सकते हैं जो एथलीट बॉडी होती है वो कैसी होती है, एथलीट बॉडी होती है मेसोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। और बास्केटबॉल के जो प्लेयर होते हैं वो होते हैं एक्टोमॉर्फ, रेसलिंग वाले जो होते हैं एंडोमॉर्फ, आगे लैंग्वेज में लैंगा में
पर उन्होंने इस प्रकार से डिफाइन किया है एथलीट ने, एथलीट के रूप में उन्होंने बताया है इसने, फेल्डन ने। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी पढ़ेंगे। तो शॉर्ट आर्म, शॉर्ट लेग एंड राउंडेड फिनिक, लॉन्ग हैंड, लॉन्ग हाइट एंड एथलीट पर्सनैलिटी, और लंबे हैं, लंबे हैं, लंबे लंबे पैर, मतलब पत्ता दुबला। अब इसको जो भी है एंडोमॉर्फ स्टेट, बिल्कुल अभी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं बच्चों, ये तो हमने फेल्डन के बारे में बताया। ठीक, मैं एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको सिलेबस भी पर आपको समझ में आए। सी जी जंग ने क्या कहा, सी जी जंग ने कहा कि एंडोवर्ड इंट्रोवर्ड होती है बॉडी, एक्सट्रोवर्ड पर्सनैलिटी होती है, एम्बिवर्ड होती है। अब आप समझ सकते हैं जिन्होंने मेरी क्लास अटेंड करी इससे पहले उसको समझ में आना होगा। पर्सनैलिटी के बारे में कहा है कि एक इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड टाइप की पर्सनैलिटी होती है, मतलब कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो सामने से, पर्सनैलिटी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, पर्सनैलिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक गतिशील ऑर्गेनाइजेशन है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर जो है इमोशंस होते हैं, जिसकी मेंटल मेंटल लेवल भी होता है उनका बेस्ट, जिनकी फिजिक्स अच्छी होती है, वो फिजिक्स इंटरनल हो या आउटर हो, उस पूरे एक कॉम्पैक्ट की तरह उन्होंने जो है पर्सनैलिटी को समझाया है। तो पर्सनैलिटी में कौन सी तीनों चीजें आ गई है, इंट्रोवर्ट का मतलब है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या है, अंतर्मुखी का मतलब है कि जो उसके अंदर की जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो बिहेवियर है, उसका जो इमोशंस है, उसकी जो फिजिक है, उसकी जो इंटरनेस पावर है, सहनशीलता जिसे हम कहते हैं, रनिंग की, एक्सरसाइज की, वो सब उसके अंदर है, तो वो इंट्रोवर्ट में है। और एक्सट्रोवर्ट में क्या है, उसके आउटर जो लंबा पतला सुंदर गोरा मनोहर, ठीक है, और फेयर कलर, ये सब चीजें जो है एक्सट्रोवर्ट में आती है। एम्बिवर्ट जो है इन दोनों को मिलाकर है, ये दोनों चीजें उसके अंदर है। ठीक, अब हम उसको समझते हैं एक छोटी सी परिभाषा के रूप में, और मैं आपको भी समझाऊंगा। इंट्रोवर्ट क्या है, अ क्वाइट शाई पर्सन हु प्रिफर टू बी अलोन देम विद देयर पीपल, मतलब एक ऐसा व्यक्ति इंट्रोवर्ट का मतलब है कि अंतर्मुखी हो, तो कहना मतलब है कि इंट्रोवर्ट है, मतलब वो किसी को कह ना पाए, एक साई सा रहता है, समाई समीला सा होता है, ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता है, अंदर अंदर सोचता रहता है, इस तरह का व्यक्ति। एक ऐसा है कि खुले विचारों का, एकदम से बोल दिया, किसी को जवाब दे दिया, घुल मिल के रहना है, सबसे दोस्ती करनी है, वो किसमें आएगा, एक्सट्रोवर्ट में आएगा। और ये दोनों चीजें जो जिसमें हो वो एम्बिवर्ट में आएगा, समझे। कई बच्चे आपने देखो ना चुपचाप शांत बिल्कुल साइलेंट, ना किसी से बात करनी, ना कुछ करना, सिर्फ खुद का काम करना, कुछ सोचना, ज्यादा किसी से बात नहीं करना, घर में भी ऐसी रहना, वो इंट्रोवर्ट में आएगा, समझिए ना, अंतर्मुखी। एंड एक्सट्रोवर्ट का मतलब है कि जो खुले विचार होगा, बातचीत खुले कर, मतलब सबसे बात करना, दोस्ती करना, सोशल होना, जहाँ देखे वो पे हाय हेलो करना, एक अपने आप को जो प्रोटेक्ट करना किसी चीज में, उसको हम एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। अब दोनों चीजें जिसमें आ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का व्यक्ति जो है इंटरनली सोचता नहीं है, मैं जो करना कर दिया, ठीक, और इस तरह का व्यक्ति अगर खुल के जाता है कि अपना इतना काम करना है। अब दोनों चीजें जिसमें हो वो एम्बिवर्ट्स हो, ये क्लासिफिकेशन दी है किसने, जंग ने दी है। अभी हमने बुक नहीं पढ़ी, अभी हम आपको जंग भी समझा रहे हैं। एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ एंड हु प्रेफर्स बीइंग विद अदर पीपल टू बीइंग अलोन। कहने का मतलब है कि इस तरह का व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, वह उत्साह से परिपूर्ण व्यक्ति होता है, जिसे अकेले के बजाय साथियों के बीच रहना अधिक पसंद होता है, वो क्या है, एक्सट्रोवर्ट है। इसका अपोजिट जो है इंट्रोवर्ट है, जो साई किस्म का होता है, शांत रहता है, चुप चुप रहता है, अपना खुद का काम करना है, दूसरों से दोस्तों से ज्यादा मतलब बातचीत नहीं करना है, अपना प्रेजेंट नहीं करना है, वो सब चीजें हैं इंट्रोवर्ट। अब दोनों चीजें जिसमें हों
भाई जो खुल के बातचीत करता हो और सोचता भी हो किसी का बुरा ना हो और कहने का मतलब है कि आत्मचिंतन भी करता हो। जैसे एक वर्ड मैंने बताया था आपको, एक वर्ड मैंने आत्मचिंतन का बताया था आपको, एक तो बताया था मैंने रीजन रीजनिंग, ये है आपका एक वर्ड आया था मेरे माइंड में आत्मविवेचनात्मक, सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ क्रिटिकल ये वर्ड भी आ सकते हैं, दोनों चीजें उसमें हो, वो है एम्बिवर्ट। ठीक, आइए इतनी बात हम मोटे मोटे टॉप में समझ गए। अभी हमने बुक नहीं पढ़ी है, अभी तो मैं जनरली बता रहा हूँ कि एंडोमॉर्फ क्या है, मेसोमॉर्फ क्या है, एक्टोमॉर्फ क्या है, आपको एक बार समझ आ जाएगा इंट्रोवर्ट क्या है, एक्सट्रोवर्ट क्या है, एम्बिवर्ट क्या है। ठीक, आगे चलिए, समझ आ गया, याद भी हो जाएगा, बोर्ड पे लिखा दिमाग में आ गया, दोनों एक चीज सामने का देखा हुआ और कान से सुना हुआ दोनों चीज याद रहती है, लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं होता। ये भी पर्सनैलिटी का एक गुण है, समझ आपको। अब आगे चलते हैं, बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी, बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी क्या है, ये फाइव टाइप्स की ये किसी ने बताई नहीं है, ये बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी है, ये जनरली आपके बुक में है, क्वेश्चन आपका फुटअप हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनता है आपको ये पता है, क्वेश्चन किस तरह से हम इसको समझेंगे, क्वेश्चन बनेगा इल्यूसिएट एप्रोप्रिएट द बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी, ये क्वेश्चन है फाइव मार्क्स का, कर लोगे एग्जाम में। भाई पहले तो ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्टिज्म, एग्रीएबल एंड रिट्रोवर्टिज्म, इसके बारे में बताएंगे क्या है ये। ठीक, अगर हम क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा, फाइव मार्क्स का कैसे आएगा, इससे सेल्डम से, इलुसिडेट सेल्डम टाइप एंड ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी इन डिटेल। ठीक, टाइप माने क्या होता है, उसकी प्रकार, और ट्रेड क्या होती है, उसकी विशेषता, विशेषता मतलब इन तीनों की विशेषता क्या है, क्या समझाया गया है, तो कर लोगे इसके अंदर का जो है कॉपी भी है और मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, ये तीनों चीजें इसमें आ जाएगी। ठीक, अब इसका क्वेश्चन फाइव मार्क्स का क्या बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा कि इनिशिएट जंप ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल्स, तीनों चीज आ जाएगी, इन्होंने क्या कहा, ये फाइव मार्क्स में आ सकता है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज अ इंट्रोवर्ट, खाली इतना आ गया, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पेपर बना हुआ है वो टू मार्क्स का भी है, वन मार्क्स का ही है और थ्री मार्क्स का भी है, तो डिवाइड कर सकते हैं, वो कह देंगे कि व्हाट इज अ सीजी जंक क्लासिफिकेशन, गिव ओनली टू, तीन मार्क्स में, गिव ओनली वन, टू मार्क्स में, तीनों में से कोई एक और उसके डिसाइड करना है। अभी मुझे पढ़ते हैं, अगर आपका आ गया कि थ्री मार्क्स में व्हाट इज द बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी, तो बता देंगे कि इसका नाम डिफाइन एनी टू, टू मार्क्स या थ्री मार्क्स, डिवाइड डिफाइन एनी वन, वन मार्क, इनमें से कोई एक डिफाइन कर देना, समझ में आ गया। अब बच्चों तो आपने कहा कि विकासन ये क्या है, ओपननेस क्या है, आप बुक में तो पढ़ाई देंगे पर आपको समझ में भी आएगा नहीं आएगा भगवान जाने एग्जाम में क्या करेंगे, लेकिन अगर हमें किसी चीज को पढ़ना है तो हम उसको खुल के समझाएंगे, उसको हम समझेंगे हिंदी में कि उसे क्या चीज है। जैसे कि ओपननेस का मतलब होता है खुलापन, खुलापन आप इसे पर्सनैलिटी से जोड़ लेंगे, किस प्रकार का खुलापन, तो हम बुक में पढ़ेंगे। ठीक, दूसरी क्या है, कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इसका मतलब होता है कर्तव्य निष्ठ, कर्तव्य निष्ठ, इसका सिनोनिम बनेगा ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड जस्टिस, ये इसकी सिनोनिम बनेंगे। इसका मतलब ये है कर्तव्य, एक किसी के प्रति कर्तव्य रखना, काम करने का तरीका, कभी यहाँ पे सब टीचर हैं, कोई वर्क कर रहे हैं, कोई किसी काम में अगर समय दे रहा है या टाइम लगा रहा है तो वो कर्तव्य नहीं है, कहने का मतलब यह है कर्तव्य अपने कर्तव्य के प्रति जो है निष्ठावान होना,
ठीक, कंसिस्टेंस होना, ठीक है। उसके बाद है एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्सिया भी बोल सकते हैं, एक्सट्रोवर्जन भी बोल सकते हैं, ठीक है, सागर ऐसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है कि बहिर्मुखता, बहिर्मुखता मतलब ये वाली पॉइंट जो है ये सही है कि एक प्रकार का जो है आत्मविश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना, और अ पर्सन हु इज अ कॉन्फिडेंट, अ पर्सन इज अ कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ एंड हु पर्सन प्रिफर बीइंग विद द अदर पीपल और बीइंग अलोन, ठीक है। इसका मतलब उसका है एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस लिखना ऐसे ही काम है, देखा होगा बच्चों की कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि हम अगर उनको कोई चीज समझाएंगे तो एग्री नहीं होते, एग्री होते नहीं होते, वो समझते नहीं, वो हम उनको कुछ बताएंगे तो उसको उल्टा समझेंगे, नहीं ये ऐसा होना चाहिए, एग्री नहीं है। तो पर्सनैलिटी कैसी उन्होंने बताई है, जो फाइव की थ्योरी में बताई है, एग्रीएबलनेस, सहमति, सबके साथ सहमति। भाई ये नहीं कहना है किसी ने कहा कि भाई तुम उसको उसकी जो है कोई नुकसान पहुंचा दो, किसी को किसी का जो है नुकसान कर दो, ये वाली बात नहीं हो रही है, उसमें एग्री वाली बात नहीं हो रही है। एक ऐसा एग्रीएबलनेस कि जिसे हाँ उसने कहा ठीक है, हाँ करना अपने हिसाब से है, अपने माइंड से है। एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसी होती है जो बार बार उसके जो है उसको कहती है कि कैसे नाम नहीं, कैसे नाम मैं ये गलत बता रहे हैं आप, ये ठीक है, अपनी अपनी ओपिनियन देने वाली, ठीक है, एक तरीके से आलोचक जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ नहीं है। एग्रीएबलनेस एक सहमति वाली पर्सनैलिटी की। अब है न्यूट्रोटिज्म, न्यूट्रोटिज्म का मतलब है न्यूट्रो का, आप समझ गए, न्यूट्रो जो है आपकी नर्वस सिस्टम से है, तो एक ऐसी न्यूट्रलिज्म की पर्सनैलिटी जो अंदर ही अंदर अपने आप में उलझी रहे, ठीक, सोच के बोले। अभी हम उसको पढ़ते हैं तो हम इसको समझते हैं, ये फाइव थ्योरी हमारी आगे आई है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या आगे होगा। सेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरीज, ट्रेट एंड टाइप्स। ट्रेट मीन्स विशेषता और टाइप क्या है, तो सेल्डन डिफाइन द थ्री क्लासिफिकेशन इज एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। क्लासिफिकेशन बाय विलियम हर्बर्ट सेल्डन, इन फैक्ट द सजेशंस of an athlete or sport person come from the combination of athlete ability and physique of body build. W.H. Sheldon classification personality of individual into the following categories which are stated. Number 1, endomorph. Endomorph को बताया, जो 3 types की personality बताई है Sheldon ने, Sheldon ने बताया कि endomorph क्या है, किस प्रकार से डिवाइड किया है कि एंडोमॉर्फ किस तरह की पर्सनैलिटी होती है। देयर इंडिविजुअल हैव शॉर्ट आर्म एंड लेग्स, जिसके हाथ छोटे होते हैं और लेग भी छोटे होते हैं, हाइट कम होती है। ऐसे जो पर्सनैलिटी होती है वो रेसलिंग के लिए, टाइकोंडो और कबड्डी के लिए इस तरह की पर्सनैलिटी यूज है। आगे पढ़ते हैं, दे हैव राउंडेड फिजिक्स, गोलाकार फिजिक्स। एंडोमॉर्फ मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एंडोमॉर्फ में होता है गोलाकार, गोलाकार फिजिक्स, गोलाकार पर्सनैलिटी, हाथ छोटे, हाइट कम, गोल मोटोल बॉडी, कंधे चौड़े, ठीक है, नीचे का जो हिस्सा है वो भी कंधों के बराबर ही होना, पतला नहीं होना, कंधों के बराबर होना, तो गोलाकार बॉडी से बोलते हैं। देयर लिम्ब्स सीम द शॉर्टर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिपोजिट ऑफ एडिपोज टिश्यूज, द अपर पार्ट ऑफ द आर्म एंड लेग आर सिग्निफिकेंटली थिकर।
Then the lower part, it is the heart of them, a lost weight. They have soft body. They have underdeveloped muscles. मुझे इससे दिखाई देता है कि इसकी भी हाइट बढ़नी है, अभी और थोड़ा सा बॉडी इसकी खुलेगी, पर इस तरह होता नहीं है, वो उस तरह से ही रहता है जिस तरह का वो दिखाई देता है. They have the capacity for high fat storage and become fat easily. Number two, mesomorph. Mesomorph के बारे में बताया है सेल्डन ने कि mesomorph are the characterized as in between the other two body types and generally described as musculars. They have athlete physics and balanced body compositions. Athlete body से हम कहते हैं ना बहुत लंबा और ना छोटा, एक बीच की एथलीट बॉडी जो होती है उस तरह की पर्सनैलिटी आपको बुक में भी जो पिक्चर बनी हुई देखिए मैसोमॉर्फ की है, ये पर्सनैलिटी में डिवाइड किया है. दे हैव एबल टू इंक्रीज देयर मसल साइज क्विकली एंड इजीली. दे हैव वेल डेवलप्ड रेक्टेंगल शेप्ड बॉडी. दे हैव थिक बोन एंड मसल्स. देयर चेस्ट एंड शोल्डर आर लार्जर एंड ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू देयर वेस्ट लाइन. They are physically capable of doing a lot of activity and tend to be aggressive. Generally, they have stored fat. Evenly, all have above their body, but they can because overweight. If they lead sedentary lifestyle and take high calorie diet. They can excel in such sports which require great strength, short bursts of energy and loss of power. Because they have enough strength, agility and speed, their characteristics make them strong conductors to be the top sport person in any sport. So athlete hai, sport person hai, aur उसमें जिस तरह की बॉडी हमें चाहिए ऐसी बॉडी है वो इसमें बताया गया है कि मेसोमॉर्फ में इस तरह की बॉडी होती है, इस तरह की पर्सनैलिटी होती है. एक्टोमॉर्फ बिल्कुल पतला लंबा बास्केटबॉल प्लेयर की तरह, इस तरह बास्केटबॉल में प्लेयर होते हैं लंबे पतले और पतले दुबले से जो जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है उसके बारे में बताया है एक्टोमॉर्फ. द इंडिविजुअल हु हैव एन एक्टोमॉर्फ बॉडी आर यूजुअली रेफर्ड टू द A slim person because their muscles and limbs are elongated. लंबे पतले हाथ उसके, हाथ भी उसके बड़े बड़े लंबे लंबे, ठीक है. उसी तरह से उसके जो है पैरों के जो पंजे हैं जो tarsal bones हैं वो लंबी लंबी होती हैं, carpal bones हैं वो भी लंबी होती हैं. They have flat chest, flat chest, have less muscles, mass they lack of muscles mass create the impressions that they are taller than they really are. They do not have a lot of strength to perform wonderfully in endurance activities. They have a quick metabolism to the burn fat. They also have a tendency to stick with what they do best. They like body constitutions make them suited for aerobic activity like gymnastics. Gymnastics में भी इस तरह की जो है बॉडी की जरूरत होती है जिसकी फ्लैट चेस्ट, लंबे हाथ, पतली दुबली बॉडी, हल्की लाइट बॉडी, वो एंडोमॉर्फ में आती है. जंग ने भी अपनी क्लासिफिकेशन करी है, वही मैंने आपको भी समझाया था. किसी की जंग हैज क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन बेसिक ऑफ सोशियोबिलिटी करेक्टर इन इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट. There are described below. Introvert, there are persons who share categories such as the shyness, social withdrawal, and tendency of talk less. इस तरह की personality जो कम बात करे, जो शर्मीली हो, जो किसी से शेयर करने से डरे, जो अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही रखे, उस तरह की जो है introvert personality होती है. Owing to these characteristics, such person seem to be self-centered, unable or adjust easily in social situations. They are very sensible, rigid in idea and future oriented. इस तरह की इंट्रोवर्ट
पर्सनैलिटी बताई है जंक ने, अपने अपने डिफाइनेशन दी है जंक ने, सेल्डम ने, और बिग फाइव थ्योरी भी हम पढ़ेंगे। एक्सट्रोवर्ट हैव अ टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली, आउटगोइंग, टॉकेटिव एंड सोशल इन नेचर, दे आर यूजली, जो पर्सनैलिटी इस तरह की पर्सनैलिटी जो फ्रेंडली हो, खुले मिजाज की हो, टॉकेटिव हो और सोशल नेचर को जो है से घुली मिली हो, लोगों से बातचीत करती हो, इस तरह की पर्सनैलिटी जो है एक्सट्रोवर्ट में है। दे यूजली प्रेफर सोशल कॉन्टैक्ट, दे आर जीनियस, सपोजिटिव, सपोर्टिव एंड करेजियस, दे मे बी कॉल्ड हैप्पी गो लक्की पर्सन, दे सो इंटरेस्ट इन प्रेजेंट रियलिटी देन फ्यूचर्स, दे डू नॉट हैव हेजिटेशंस, दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग ओपनली, दे टॉक द टेक डिसीजन एंड एक्ट अपॉन इट क्विकली, दे आर नॉट अफेक्टेड इजली बाय डिफिकल्टीज एंड ट्रबल्स। एम्बिवर्ट्स, देयर आर ओनली फ्यू पर्संस हु आर प्योर इंट्रोवर्ट और प्योर एक्सट्रोवर्ट्स, द रेनिंग मेजोरिटी ऑफ पर्संस पोसेस बोथ द क्वालिटी टू ट्रीट ऑफ इंट्रोवर्ट द एक्सट्रोवर्ट, सच पर्संस आर कॉल्ड एम्बिवर्ट। इस तरह की पर्सनैलिटी जिसमें इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट दोनों तरह की बातें हों, दोनों तरीके के जो है उसकी पर्सनैलिटी हो, उसकी गुण हो, उसकी करेक्टरिस्म हो, उस तरह की पर्सनैलिटी जो है एम्बिवर्ट होती है। हम फाइव बिग थ्योरी को भी हम पढ़ लेते हैं। फाइव बिग थ्योरी में जो है, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट द पर्सन गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम सिचुएशन, इनडीड द फाइव बिग फैक्टर्स ऑफ पर्सनैलिटी आर देयर फाइव मेन डोमेन विच डिफाइन वुमेन पर्सनैलिटी एंड अकाउंट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस, देयर फाइव डोमेन और डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी आर कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल्स ट्रेड्स दैट मेक एन इंडिविजुअल ओवरऑल पर्सनैलिटी। दे फाइव बिग ट्रेड पर्सनैलिटी आर डिस्क्राइब बिलो। नंबर वन, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूट्रोटिज्म। ओपननेस, वो पर्सनैलिटी जो पर्सन हु लाइक अ लर्न न्यू थिंक न्यू कंसेप्ट एंड एंजॉय न्यू एक्सपीरियंस यूजली रिमेन ऑन द टॉप इन ओपननेस। ओपननेस इंक्लूड ट्रेट लाइक बीइंग इमेजिनेटिव, इंसाइटफुल एंड हैविंग द वैरायटी ऑफ द इंटरेस्टेड। इस तरह की पर्सनैलिटी जो खुले मिजाज की हो, जो बात करने में किसी से जो है कतराए नहीं, एक और हर कार्य में जो है उसका इंटरेस्ट बना रहे, इस तरह की पर्सनैलिटी ओपननेस में आएगी। कॉन्शियसनेस जो है, कॉन्शियसनेस का मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है कि हॉनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड जस्टिस, जिसे हम कर्तव्यनिष्ठ भी बोलते हैं, ये कॉन्शियसनेस में आएगा। कॉन्शियसनेस का मतलब है कि कर्तव्यनिष्ठ पर्सन हु हैव द हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस आर रियलेबल एंड प्रमोट, सच पर्सन रिमेन ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक, लेबरियस एंड कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एक्सट्रोवर्ट ऑफन नो एज द एक्सट्रोवर्ट गेट द एनर्जी फॉर इंटरेस्टिंग विद अदर इंडिविजुअल हु हैव द इंट्रोवर्ट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम विद सेमसेल्फ। एक्सट्रोवर्ट वर्सन इंक्लूड द ट्रेट ऑफ बीइंग एनर्जेटिक, टॉकेटिव एंड असर्टिव। बोलने वाली, बात करने वाली, ये बिग थ्योरी में ये भी वही चीज आएगी जैसे मैंने पहले बताया था एक्सट्रोवर्जन में। अब है एग्रीबल, एग्रीबल माने सहमत होना, एक दूसरे के साथ सहमति बनाए रखना और जो कहे उसको उस तरीके से हैंडल करना, उसको एग्रीबल में आएगा। सच इंडिविजुअल आर फ्रेंडली, कोऑपरेटिव, कंपेटिबली काइंड एंड जेंटल्स। इस तरीके की जो पर्सनैलिटी है वो एग्रीबलनेस में आएगी। काइंड माने दयालु और जेंटल माने सज्जन व्यक्ति, और कोऑपरेटिव भी हो, फ्रेंडली भी हो, ये एग्रीबल में आएगी। पर्सन वी टू एग्रीबलनेस मे बी मोर डिस्टेंस ऑफ द एल्प्रू अलूक, देयर आर यूजली काइंड, जीनियस, एफेक्टनेस एंड सिंपैथिक। इस तरह की पर्सनैलिटी जो है एग्रीबल में आएगी। द लास्ट पॉइंट हमारा वो है न्यूडिज्म। न्यूडिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल सेटेबिलिटी,
स्टेबिलिटी देयर डोमेन और द डायमेंशन रिलेटेड टू वन इमोशंस स्टेबिलिटी एंड देयर डिग्री ऑफ द नेगेटिव इमोशंस पर्सन हु हैव द हाई न्यूरोटिज्म यूजुअली एक्सपीरियंस इमोशनल instabilities and negative emotions. Such individuals remain moody and tense. कहने का मतलब है कि इस तरह का जो है जो personality है neurotism, इस तरह की personality जो है moody होती है, tense से थोड़ा tense रखती है, अपने दिमाग में कुछ चीज़ें रखती है कि वो उस बात को share नहीं होने देती. और अगर हम हिंदी में देखें neurotism का मतलब है कि मनोसिद्धता, मतलब एक न्यूरो उसका जो है उसका मेंटल लेवल जो है थोड़ा सा जो है एक दूसरे से ओपन नहीं हो पाता है, इस तरह की जो है न्यूरोटिज्म में आएगा. सो टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनैलिटी एंड डिफाइन द थ्री एंड फोर टू क्लासिफिकेशन हियर. इफ द क्लासिफिकेशन इज सेल्डन एंड जंग और बिग फाइव थ्योरी भी पर्सनैलिटी में ही आएगी. और क्वेश्चन अगर बनते हैं तो तीनों में से क्वेश्चन जरूर आएंगे. और पर्सनैलिटी के टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला क्वेश्चन तो डायमेंशन से बन सकता है, पर्सनैलिटी डायमेंशन. दूसरा क्वेश्चन टाइप ऑफ पर्सनैलिटी से आ सकता है. थर्ड जो क्वेश्चन बनेगा वो आएगा कि सेल्डन की थ्योरी बताइए जो मैंने अभी पढ़ाई आपको. तीन तरह की उसने क्लासिफिकेशन दी है, जो थ्री टाइप की जो क्लासिफिकेशन है वो एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ है. जंग की क्लासिफिकेशन भी 5 मार्क्स में आ सकती है, 3 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 मार्क्स में पूछ सकता है, तो आपको उसको करना है. जंग ने बताया है कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्ब्रीवर्ट जो है 3 टाइप्स की पर्सनैलिटी हमारे बीच में है. और इसी तरीके से 5 बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा जो है पुट अप हो सकता है. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्लास में कि जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का वो बिग फाइव थ्योरी से भी आ सकता है. और ये चैप्टर हमारे बोर्ड के पेपर के लिए, जो हमारे 12th का पेपर होना है, जो मेन प्रीबोर्ड होना है, बोर्ड होना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पर्सनैलिटी को आप बिल्कुल मन में उतार लें. मैंने कोशिश करी है कि पर्सनैलिटी को जो है एक टाइम दूँ, उसमें 2-3 डेज हमें समझाने में लगे हैं और उसको जो है अलग अलग तरीके से उसको समझाने की कोशिश करी है कि पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. एक यूनिट है, एक डायनेमिक एक डायनेमिक जो है ऑर्गेनाइजेशन है पर्सनैलिटी. इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है. आप उसको पढ़ें और इसको तैयार करें. थैंक यू वेरी मच. आई विल गिव द असाइनमेंट इन योर पर्सनल सॉफ्टवेयर, सो डू प्रॉपरली इन टाइम. थैंक यू वेरी मच.